ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट का दूसरा वीडियो है, जिसमें और भी कुछ बेसिक्स टॉपिक्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए, और देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं पार्ट 2। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये है टफनेस। टफनेस क्या है? अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी डिफॉर्म होगा, और अगर उस फोर्स को हटा लेंगे तो अगर वो बॉडी इलास्टिक है तो वो फिर से अपने वापस शेप में आ जाएगा। तो शेप में वो क्यों आता है? शेप में इसलिए आता है कि उसके जो, जैसे ही हम उसमें फोर्स लगाते हैं, उसके अंदर एक इलास्टिक प्रॉपर्टी है जो कि उस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए उसमें एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, और वो स्ट्रेस जो है उसको फिर से वापस लाने के लिए मजबूर कर देता है। तो मान लेते हैं कि अगर हमने फोर्स लगाया एफ और उसमें डिफॉर्मेशन हो गया डेल्टा एक्स, तो उसमें वर्क डन होगा एफ इंटू डेल्टा एक्स, और वो एफ इंटू डेल्टा एक्स एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी बॉडी में अगर स्टोर हो जाए तो बोलेंगे बॉडी टफ है। टफनेस एनेबल्स बॉडी टू स्टोर स्ट्रेन एनर्जी। उट फेलियर यानी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर एक किसी भी बॉडी का एक कैपेसिटी होगा। जब हम फोर्स लगाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो टाइम आएगा जब वो बॉडी फेल हो जाएगा। तो एट द टाइम फेलियर, जैसे ही फेलियर होगा वो सारा स्ट्रेन एनर्जी उसमें से रिलीज हो जाएगा। तो फेलियर के पहले तक जितना भी, जितना ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कोई बॉडी स्टोर कर सकता है उसको कहेंगे उतना ज्यादा वो टफ है। तो टफनेस ये होता है। हार्डनेस में पिछले क्लास में बता चुका हूं, तो हार्डनेस और टफनेस में ये डिफरेंस है। हार्डनेस सिर्फ उसके सरफेस एब्रेशन को रोकता है, और टफनेस जो है उसमें स्टोर होने वाले एनर्जी के बारे में बताता है। अब टफनेस एक टर्म होता है, मॉडुलस ऑफ टफनेस। अगर हम किसी बॉडी का, सपोज करो कि मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर माइल्ड स्टील का खींचूं तो वो करीब इस तरह से आएगा। ये स्ट्रेन स्ट्रेन एक्सिस है, ये स्ट्रेस एक्सिस है। इस ये जो एरिया स्ट्रेन एक्सिस के साथ बनाएगा, दिस एरिया इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो अगर इसको इसको एरिया को हम अगर कैलकुलेट करें तो वो आएगा यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा इसको कहें अगर सिग्मा यू, और यहाँ का जो स्ट्रेस है इसको कहें अगर सिग्मा वाई, तो एवरेज स्ट्रेस होगा सिग्मा वाई प्लस सिग्मा यू डिवाइडेड बाई टू, और इंटू यहाँ पे अगर फेलियर के समय स्ट्रेन है एप्सिलॉन एफ, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन एफ। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो ये भी एक टर्म है, इसको भी आप ध्यान रखिए। अब आगे हम लोग जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करेंगे, जब भी किसी चीज के स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो वहां पर क्वेश्चन आएगा फेलियर, क्योंकि बॉडी का स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि वो फेल कब होता है। फेल होने के पहले तक जितना फोर्स को रेजिस्ट करेगा दैट इज उसका स्ट्रेंथ होगा। तो अगर किसी चीज के स्ट्रेंथ के बारे में समझना है तो हमें उसके फेलियर के बारे में भी समझना होगा। तो बॉडी किस तरह से फेल करता है, क्या क्या फेनोमिना होता है, तो हमारे पास दो तरह का फोर्स है। फेलियर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो है टेंसाइल फोर्स, टेंशन। सपोज कोई बॉडी है, इसमें अगर हम फोर्स लगाएं टेंशन फोर्स, तो ये बॉडी का फेल होने का क्या बिहेवियर होगा वो हम देखने की कोशिश करते हैं। अब ये बॉडी जो है, अगर डक्टाइल बॉडी है और इसको हम अगर खींचते हैं, तो इसमें जिस टाइप का फेलियर होता है, कप एंड कोन फेलियर। और कप एंड कोन फेलियर एक टाइप का शेयर फेलियर है। मेरे ख्याल से शेयर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, शेयर फेलियर। अब ये कैसे फेल होगा? ये बॉडी अगर फेल करेगा तो इस तरह से इसमें ऐसे कप कप बन जाएगा, और जो दूसरा बॉडी है, जो दूसरा पार्ट है इस बॉडी का फेल होने का, उसमें इस तरह से कोन बन जाएगा। ये कप एंड कोन फेलियर होता है, और चूंकि इस सरफेस से फेल हो रहा है तो दिस इज ए टाइप ऑफ शेयर फेलियर। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि कोई डक्टाइल मटेरियल किस चीज में वीक होता है, वो वीक होता है शेयर में, क्योंकि ये शेयर,
अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि हम फोर्स लगा रहे हैं टेंशन का, लेकिन फेल हो रहा है शेयर में, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कंफ्यूज ना होइएगा कि फोर्स अगर टेंशन में है तो टेंशन में ही फेल होगा, तो इस तरह से फेल होता है। और अगर इसी तरह डक्टाइल मटेरियल में अगर फेलियर प्रोफाइल अगर शेयर में है, तो कह सकते हैं कि सबसे वीक जो होता है डक्टाइल मटेरियल शेयर में होता है, उसके बाद वो टेंशन में होता है, और उसके बाद वो कंप्रेशन में होता है, कंप्रेशन। तो ये डक्टाइल मटेरियल का हम समझ गए कि डक्टाइल मटेरियल को अगर फेल कराना है तो हमें सबसे पहले जुगाड़, अगर उसको कुछ किसी फेलियर से रोकना है तो सबसे पहला हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि वो शेयर में फेल ना करे। और अगर वो शेयर में, यानी उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो कौन गवर्न करेगा, किससे गवर्न करेगा, वो शेयर फोर्स से गवर्न करेगा, क्योंकि शेयर फोर्स में ही वो जल्दी फेल हो जाएगा। तो शेयर स्ट्रेंथ इज लेस देन टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इज लेस देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब उसी तरह अगर बात करें हम लोग ब्रिटल मटेरियल की, ब्रिटल मटेरियल जो होगा वो कैसे फेल होगा, ये जो कप और कोन बनता है ये 45 डिग्री के आसपास होता है शेयर में जब फेल करता है। उसी तरह अगर ब्रिटल मटेरियल जब फेल होगा तो डायरेक्ट 90 डिग्री सरफेस से फेल होगा, टेंशन फ्लेयर इसमें हो जाएगा, इस तरह से ब्रेक होगा, वो कोई कप इन कोन नहीं बनाएगा, अचानक से वो ब्रेक हो जाएगा 90 डिग्री, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर फेल हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं टेंशन फेलियर। ये क्या है, ब्रिटल है, ये सब समझने की चीज है। ब्रिटल मटेरियल को खींचेंगे आप जनरल रोजमर्रा के एक्सपीरियंस से आप ये डिसाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जैसे स्टील है, माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील को अगर आप खींचे तो कभी इस तरह से फेल नहीं होगा, वो हमेशा इस तरह से फेल होगा, आप अपने एक्सपीरियंस से कहीं भी देखा होगा इस तरह के, कहीं भी कुछ लाइफ में अगर कोई एक्सपीरियंस किया होगा तो आपको लगेगा कि पहले वो खींचेगा फिर वो टूटेगा, वो कप और कोन बना के फेल होता है। बट अगर कोई ब्रिटल मटेरियल है जैसे कास्ट आयरन है, और कास्ट आयरन को आप खींचेंगे तो अचानक से एकदम 90 डिग्री के सरफेस बना के वहां से वो ब्रेक हो जाता है। तो अब हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल जो है वो क्या होगा, टेंशन में टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका कम होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज लेस देन, तो ऑब्वियसली अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है तो शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और उससे भी ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। हमेशा याद रखिए कि कोई भी मटेरियल है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कंप्रेशन में ही होता है। तो हम लोग जब कंक्रीट पढ़ते हैं तो एक मिथ स्टूडेंट्स के मन में भर जाता है कि कंक्रीट कंप्रेशन में मजबूत होता है और टेंशन में कमजोर होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यही मिथ, इसका उल्टा लोग समझते हैं कि स्टील जो होता है वो टेंशन में मजबूत होता है और कंप्रेशन में कमजोर होता है, ऐसी बात नहीं है, स्टील भी कंप्रेशन में मजबूत होता है और टेंशन में कमजोर होता है, बट इन दोनों का स्ट्रेंथ, टेंशन और कंप्रेशन का स्ट्रेंथ जो होता है वो कंपेरेबल होता है, बट कंक्रीट में टेंशन में वो काफी कमजोर होता है, जो कि मैंने कंक्रीट के क्लासेस में डिस्कस किया था, आप चाहें तो उनका वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें कंक्रीट जो होता है वो टेंशन में काफी वीक होता है लेकिन कंप्रेशन में काफी स्ट्रांग होता है, बट स्टील का जो कंप्रेशन टेंशन का स्ट्रेंथ होता है या माइल्ड स्टील का, वो लगभग कंपेरेबल होता है। लेकिन अगर हम कंप्रेशन टेंशन की ही बात करेंगे तो हम हमेशा कह सकते हैं कि कोई भी मटेरियल हो, मोस्ट ऑफ द मटेरियल हमेशा कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है। तो ये हो गया हमारा फेलियर सिचुएशन। अब हमने अभी टेंशन में बात किया, अब हम कंप्रेशन में बात करते हैं कि कंप्रेशन में कैसे कोई भी बॉडी कैसे फेल हो सकता है, क्या फेनोमेना उसका हो सकता है। तो अब हमारा फोर्स जो अप्लाइड फोर्स क्या है, कंप्रेशन है। तो अगर हम किसी बॉडी पे कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो किस तरह से फेल होगा, तो अगर बॉडी ब्रिटल हो, अगर डक्टाइल होगा, सबसे पहले डक्टाइल की बात करते हैं, अगर डक्टाइल कोई बॉडी है, सपोज करें कि ये हमारा टेस्ट पीस है डक्टाइल मटेरियल का, कास्ट है, माइल्ड स्टील है, इस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये बल्ज होके बल्जिंग हो जाएगी, ये ऐसे फूल जाएगा, तो बल्जिंग फेलियर होगा डक्टाइल मटेरियल में, बल्जिंग। और अगर यही ब्रिटल होगा, अगर ये ब्रिटल है तो यही टेस्ट पीस अगर ब्रिटल होगा तो ये फिर ये शेयर फेलियर में, 45 डिग्री के शेयर फेलियर में यहां से सरफेस इसका स्लिप हो जाएगा, तो ये होगा शेयर फेलियर। तो हमने क्या सीखा यहां, हमने ये समझा कि अगर कोई डक्टाइल मटेरियल है उस पर अगर हम कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो वो उसमें फ्रैक्चर नहीं आके वो बल्ज हो जाएगा, बल्ज होने का मतलब वो थोड़ा दब जाएगा, अगर अपर से उसका लॉन्गिट्यूडिनली अगर वो दबेगा तो हॉरिजॉन्टली उसके डायमेंशन बढ़ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं बल्जिंग।
और इसी तरह अगर कोई ब्रिटल मटेरियल को हम लोग कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो वो उसका जो सरफेस है वो 45 डिग्री के एंगल पे स्लिप कर जाएगा। तो सरफेस स्लिप होगा इसका मतलब वो शेयर में फेल कर जाएगा। तो ये फेनोमेना कॉम्प्रेशन फेलियर का होता है। अभी हमने पिछले वीडियो में एक ग्राफ बनाया था, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, हमने माइल्ड स्टील का ग्राफ बनाया था। अब हम कुछ और, सबसे पहले तो हम माइल्ड स्टील का ग्राफ बनाते हैं और उसके कंपैरिजन में बाकी कुछ और मेटल्स का और मटेरियल का ग्राफ बना के उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो माइल्ड स्टील का ग्राफ आपको याद होगा, वो इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो ये होता है, ये होता है हमारा कौन सा कर्व था, ये स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस है। तो इस तरह से माइल्ड स्टील का ग्राफ होता है। अब अगर हाई यील्ड स्ट्रेंथ का स्टील होगा तो यही जो ग्राफ है वो इस तरह से जाके ऐसे हो जाता है और यहाँ पे फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। माइल्ड स्टील का जो बिहेवियर है थोड़ा अजीब टाइप का होता है, बट अगर वही हाई यील्ड स्ट्रेंथ वाला अगर स्टील होगा, हाई यील्ड स्टील होगा तो इस तरह से उसका ग्राफ आएगा। और दूसरा एक और स्टील का अगर हम इसी में बनाए, हाई टेंशन स्टील, तो ये ग्राफ और ऊपर जाके इस तरह से फेल होता है। तो अगर हम ये इसको लिख देते हैं, हाई यील्ड स्टील हाई यील्ड स्टील और इसको कहते हैं हाई टेंशन स्टील। अब इस ग्राफ को देख के हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अगर आप इसको ऑब्जर्व कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूं इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व ये किया कि जब ग्राफ को हम जीरो से शुरू करते हैं तो इस पॉइंट तक, अपर यील्ड पॉइंट तक, जो माइल्ड स्टील का अपर यील्ड पॉइंट है सी डैश, वहां तक ग्राफ जो है एक साथ ही है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है। और उसके बाद माइल्ड स्टील का बिहेवियर इस तरह से हो जाता है, हाई यील्ड स्टील इस तरह जाता है, हाई टेंशन स्टील इस तरह जाता है। तो इतने जोन में क्या होगा, जब ये स्ट्रेट लाइन है, जो हमने पढ़ा था कि ये जोन जो होता है स्ट्रेट लाइन जोन होता है और इसमें हुक्स लॉ वैलिड होता है, यानी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। तो इस ग्राफ को देख के हम लोग इजीली कह सकते हैं कि चाहे स्टील माइल्ड स्टील हो या हाई यील्ड स्टील हो या हाई टेंशन स्टील हो, उसका यंग्स मॉडुलस का वैल्यू होगा। क्यों होगा सेम, क्योंकि जितने जोन में वो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है स्टील, उतने जोन में उसका ग्राफ जो है दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप होने का मतलब तीनों स्टील का जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वही हमें यंग्स मॉडुलस देता है, और इस केस में तीनों स्टील का यंग्स मॉडुलस तो ये बराबर होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यंग्स मॉडुलस ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्टील इज सेम, और डिफरेंट क्या होगा, यील्ड स्ट्रेस जो है डिफरेंट डिफरेंट होगा, यील्डिंग जो है हर स्टील का अलग अलग होगा, यील्ड स्ट्रेंथ में भी डिफरेंट। तो ये है कॉन्सेप्ट की बात, इसको क्यों होता है। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि किसी भी टाइप के स्टील का यंग्स मॉडुलस सेम होता है, क्यों होता है। अब हम लोग यहाँ से इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब कुछ और चीजों का हम इसी में ग्राफ बनाते हैं, इसको मिटाते हैं स्टील का। अब कुछ इसमें ना, ये हमारा माइल्ड स्टील का ग्राफ है। अब इसी ग्राफ के ऊपर हम लोग कुछ क्या ब्रिटल मटेरियल का इसमें इसी में ग्राफ खींचते हैं। तो अगर हम कास्ट आयरन का खींचेंगे तो कास्ट आयरन ऐसे जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कास्ट आयरन। और ये यहाँ पे फेल हो जाता है, कास्ट आयरन का इस तरह से जाता है। और एल्युमिनियम जो होता है थोड़ा सा डक्टाइल होता है, तो एल्युमिनियम का ग्राफ ऐसे जाता है। वुड का ग्राफ अगर खींचेंगे तो वो ऐसे जाता है। तो ये थोड़ा सा कम, और रबर का अगर खींचे तो रबर कुछ उल्टा ही बिहेवियर शो करता है, वो इस तरह से होता है। तो ये रबर का हो गया, ये हो गया वुड, ये हो गया एल्युमिनियम, और ये हो गया कास्ट आयरन। तो ये सारे ग्राफ हम लोग इस पे खींच के ये कंपेयर कर सकते हैं स्टील से, इसकी किस तरह के बिहेवियर में चेंजेज है। तो ये ग्राफ हो गया। अब इसके बाद थोड़ा, ये सब तो कॉन्सेप्ट की बात है, अब कुछ अलग टाइप का और भी मटेरियल होता है उसका भी ग्राफ में खींच के आपको समझाता हूँ।
अब एक मटेरियल होता है बोर्ड, अगर साफ ना हो तो लिखने का मन नहीं करता, बोर्ड साफ करना जरूरी है। अब अगला जो है, एक मटेरियल होता है लीनियरली इलास्टिक। अगर कोई बॉडी लीनियरली इलास्टिक होगा तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व कैसा आएगा? तो ऑब्वियसली लीनियरली इलास्टिक जो हमने पढ़ा था, माइल्ड स्टील का कौन सा पार्ट, जितना दूर तक वो स्टिल रहता, स्ट्रेट पार्ट, जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो लिनियरली इलास्टिक का ग्राफ इस तरह का कुछ आएगा, इस द ग्राफ ऑफ लिनियरली इलास्टिक। और वो इलास्टिक में ही कहीं अगर फेल होना होगा तो यहाँ पे जाके फेल हो जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट। अब एक दूसरा तरह का अगर हो, इलास्टो प्लास्टिक। इन सब चीजों को थोड़ा समझिए, और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आता है ना तो कमेंट में नीचे, जो वीडियो के नीचे कमेंट करने की सुविधा है, आप लॉग इन करके उसमें कमेंट कीजिए, अपने डाउट्स डालिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। तो ऑब्वियसली इसका नाम ही लग रहा है इलास्टो प्लास्टिक, तो कुछ दूर तक ये इलास्टिक होगा, उसके बाद ये प्लास्टिक हो जाएगा। प्लास्टिक होने का क्या मतलब, कि बिना एप्रिसिएबल फोर्स लगाए हुए उसके स्ट्रेन में सिग्निफिकेंट वृद्धि। इस पॉइंट तक तो हम स्ट्रेन बढ़ा रहे हैं, और यहां पर स्ट्रेन बढ़ा भी नहीं रहे, तो ये क्या हो रहा है, उसका साइज में इसका स्ट्रेन जो है बढ़ता जा रहा है। तो इस टाइप का अगर ग्राफ हो, तो इस तरह का अगर इलास्टो प्लास्टिक का है तो हम ये ग्राफ बनाएंगे, और अगर ये ग्राफ कहीं लिखा हो, बताया जाए किस मटेरियल का है, तो इसको इलास्टो प्लास्टिक का ग्राफ कहेंगे। ये सिग्मा है, मार्क करना जरूरी है। एप्सिलॉन, सिग्मा, एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेस होता है, सॉरी एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन होता है, और सिग्मा मतलब स्ट्रेस होता है। और जो नेक्स्ट ग्राफ है, चलिए बताइए ये क्या है, मैं बताता हूं, ये है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्यों है, हम फोर्स बढ़ाते गए, स्ट्रेस बढ़ाते गए, कोई उसमें स्ट्रेन नहीं आया, और एक सर्टेन लिमिट के बाद हम फोर्स नहीं बढ़ा रहे हैं, फिर भी इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, यानी इसका स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो प्लास्टिक मटेरियल ऐसा ही होता है, जिसमें बिना फोर्स के, बिना सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ फोर्स के, उसके उसके साइज में सिग्निफिकेंट वृद्धि होती है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है। तो ये हो गया प्लास्टिक, और ये होता है अगर इस तरह से ग्राफ है तो इलास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग। यहां तक वो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, उसके बाद उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग का एक फेनोमेना होता है, और उसके बाद वो फिर स्ट्रेट लाइन में ही वो आगे बढ़ जाता है। तो ये था हमारा ग्राफ, इसको इलास्टो प्लास्टिक कहते हैं, इलास्टो प्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो बुक्स वगैरह देख लीजिए, अदरवाइज मैं इसको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है। तो ये ग्राफ्स वगैरह जो है, चारों ग्राफ को आप याद कर लीजिए, और इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में बना लीजिए कि आप ग्राफ देख के उस मटेरियल के बिहेवियर को समझ सकें, या मटेरियल के बिहेवियर को देख के आप ग्राफ बता सकें। अभी हुक्स लॉ के बारे में बता रहा था मैं, तो मैं थोड़ा सा हुक्स लॉ भी बता ही देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। हालांकि हुक्स लॉ तो 9th-10th से ही लोग पढ़ने लगते हैं। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ कहता है कि अगर किसी बॉडी का के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन रेशियो जो होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब ये कैसे आता है, हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, के इंटू स्ट्रेन, और लिख सकते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन दिस इज इक्वल टू के, और के क्या है, कांस्टेंट, और दिस के इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसी के को कहते हैं। तो ये था हुक्स लॉ। अब आगे हुक्स लॉ को यूज करके एक आध प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, और कुछ प्रॉब्लम मैं आपको दूंगा जो आप अपना सेल्फ प्रैक्टिस करना। अब वो प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहला प्रॉब्लम कि एक हैंगिंग बार है,
ठीक है, और इसमें लोड लग रहा है पी, और इस बार का वेट जो है दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसमें कितना इलोंगेशन होगा वो हमें निकालना है, इसका इलोंगेशन कितना होगा। तो मान लेते हैं, और इसका जो लेंथ मान लेते हैं, ये लेंथ दिया हुआ है एल, दिस इज एल, इसमें कितना इलोंगेशन होगा, और इसका मान लेते हैं कि इसका जो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो दिया हुआ है ए। ठीक है, तो अब हम इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बाकी जितने भी नोटेशंस हैं आप उसको यूज कर लीजिए, जो नहीं दिए हुए हैं उसको आप एज्यूम कर लीजिए कि वो दिए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ नोटेशन। जब हम इसमें पी फोर्स लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, एक स्ट्रेस डेवलप होगा और साथ साथ स्ट्रेन भी डेवलप होगा। तो हम यहां लिखते हैं बाय हुक्स लॉ, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन दिस इज इक्वल टू के। के क्या है, यंग्स मॉडुलस है, के इज गिवन। ठीक है, अब स्ट्रेस हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हम स्ट्रेस की जगह पे यहां फोर्स कितना लग रहा है पी, और एरिया कितना दिया हुआ है ए, और स्ट्रेन क्या होता है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, मान लेते हैं डिफॉर्मेशन है डेल्टा एल और टोटल लेंथ क्या है एल, तो यहां लिखते हैं एल, दिस शुड बी इक्वल टू के। और हमें यहां निकालना क्या है, डेल्टा एल, यहां पे डेल्टा एल अननोन है, इसी को निकालना है। तो इस इक्वेशन को इधर उधर करके डेल्टा एल को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, इस पूरे को उधर ले जाइए, तो यहां लिख सकते हैं पी बाई ए दिस इज इक्वल टू के डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू, एल को इधर ले जाएंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पी एल। ठीक है, और के को इधर ले जाएंगे तो लिख सकते हैं ए के। तो यही डिफॉर्मेशन होगा पी एल बाई के ए। तो ये हो गया। अब एक थोड़ा सा और मैं इंटीग्रेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग किसी भी प्रॉब्लम को, इस तरह के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अभी मान लीजिए क्वेश्चन यही है, सपोज कीजिए कि क्वेश्चन यही है, ठीक है, लेकिन इस बार का लेंथ दिया हुआ है और इसका वेट दिया हुआ है W। अभी वेट जीरो नहीं है और इसमें कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ये अपने वेट की वजह से, अगर किसी चीज को आप लटकाएंगे तो अपने वेट की वजह से ही वो थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा, वो इलोंगेशन कितना होगा वो हमें इससे निकालना है। तो इसको हम लोग या तो बेसिक से बना लें, या अभी जो पुराना प्रॉब्लम बनाए उस प्रॉब्लम के बेसिस पे इसको बना लें। तो हमने पुराना प्रॉब्लम में क्या पढ़ा था कि कोई बार है उसका अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, इलोंगेशन डेल्टा एल क्या आता है पी एल बाई के ए, इसको हम लोग रखते हैं, इसको कैसे इसमें यूज करेंगे। अब हमें निकालना है कि अपने सेल्फ वेट के चलते इसमें कितना इलोंगेशन होगा। तो इसमें हम लोग ये जो फॉर्मूला है जो पिछले प्रॉब्लम में हमने निकाला था, ये फॉर्मूले का हम यहाँ डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका हर सेक्शन पे जो फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों होगा डिफरेंट, कि अगर हम यहाँ पे सेक्शन काटे हैं, यहाँ पे कंसीडर करें, तो इस पे नीचे फोर्स लगाने वाला कौन सा होगा, इतना पार्ट का जो वेट होगा वही सेक्शन पे फोर्स लगाएगा, और वही अगर हम ऊपर रखें तो इतने पार्ट का जो है वो फोर्स नीचे लगाएगा। तो हर सेक्शन में फोर्स जो है इसका वेरी करेगा, और ये जो हमने निकाला था वो कॉन्स्टेंट फोर्स की के लिए निकाला था। तो हम क्या करना चाहेंगे कि हम अपने प्रॉब्लम को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हम उसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन मेथड से निकालते हैं। तो हम लोग एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं dx लेंथ का, दिस इज dx, और कहां से, नीचे से x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो नीचे वाले पार्ट का वेट क्या होगा, अब इस dx लेंथ वाले बॉडी पे फोर्स कौन लगाएगा, ये नीचे वाला बॉडी, तो नीचे वाला बॉडी का जितना भी वेट होगा वो इस पे लगेगा नीचे की तरफ, और वही इस छोटे वाले पार्टिकल में इलोंगेशन करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वो छोटे वाले पार्टिकल में पहले निकालते हैं डिफ्लेक्शन। तो मान लेते हैं कि छोटे वाले पार्टिकल में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो डी डी एक्स आएगा या डी एक्स डैश आएगा, मान लेते हैं डी एक्स डैश। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, उस फॉर्मूला पे पुट करते हैं, वो फॉर्मूला क्या है पी एल, यहाँ पे P क्या हो जाएगा इसका वेट, और इसका वेट कैसे निकाल सकते हैं, टोटल का वेट है W, तो L लेंथ का वेट है W, तो X लेंथ का वेट कितना हो जाएगा W बाई L इंटू X, P की जगह लिखते हैं W बाई L इंटू X, ये लोड हो गया।
और लेंथ क्या होगा इसका, एल, एल होगा डीएक्स, क्योंकि ये छोटा वाला पोर्शन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, और इंटू वन बाई के, ये तो कांस्टेंट है। अब अगर इसी को, इसको एक बार और लिख देते हैं, डी एक्स डैश, डी एक्स डैश क्या है, डिफॉर्मेशन इन स्मॉल पार्ट ऑफ लेंथ डी एक्स, इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें, तो हो जाएगा डब्ल्यू बाई के ए एल एक्स डी एक्स। अब इसी को इंटीग्रेट करते हैं, इसको अगर जीरो से डेल्टा एक्स, टोटल इलोंगेशन डेल्टा एक्स, और ये कहां से कहां, जीरो से एल तक, एक्स कहां से कहां वेरी करेगा, जीरो से लेके एल तक। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये टर्म हमारा डेल्टा एक्स आ जाएगा, यानी टोटल डिफॉर्मेशन, या डेल्टा एल कहें इसको, टोटल डिफॉर्मेशन डेल्टा एल, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एल, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई के ए एल, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो से एल। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर बाई टू, और एल स्क्वायर बाई टू और एल से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा एल, तो यहां लिख सकते हैं डब्ल्यू एल बाई के ए टू। तो सेल्फ वेट के चलते जो इलोंगेशन होता है वो होता है डब्ल्यू एल बाई टू के ए। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे देता हूं, इस प्रॉब्लम को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपको ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन और हुक्स लॉ जो है वो अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा दिमाग में, और अगर कोई डाउट होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो मुझे लिखिए, मैं आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करके जरूर दूंगा। तो अब मान लीजिए कि एक बॉडी है, पहला प्रॉब्लम वो कोनिकल है और इस तरह से हैंग हो रहा है, इसका वेट मान लीजिए डब्ल्यू है सेल्फ वेट के लिए, और ये लेंथ मान लीजिए एल है, तो सेल्फ वेट के लिए इसमें कितना इलोंगेशन होगा वो आप निकालिए, निकाल के मुझे आप देखिएगा कितना आ रहा है। और एक और है टेपर्ड सिलेंडर, मान लीजिए सिलेंडर ऐसे टेपर्ड है, इसमें हम फोर्स लगा दें इधर से टेंशन, तो इसमें कितना इलोंगेशन होगा, जो भी चीजें आपको माननी है वो अपना आराम से एज्यूम कर लीजिए। ये तो सिलेंडर था, और एक स्क्वायर वाला भी ट्राई कर लीजिएगा, एक स्क्वायर वाला भी ट्राई कर लीजिएगा, इस तरह से इसका ये डायमेंशन मान लीजिए ए, ये डायमेंशन बी, और लेंथ मान लीजिए एल, इसमें भी ऐसे फोर्स अगर पी का लग रहा है तो इसमें कितना इलोंगेशन होगा वो आप निकाल के देखिए, और इससे आपको काफी कुछ समझने का मौका मिलेगा। अब मैं एक और फॉर्मूला बता देता हूं, उसके बाद हमारा इस वीडियो का जो टारगेट था वो पूरा हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने दो तरह के मटेरियल को कंपोजिट कर दिया, ठीक है, सपोज करते हैं कि ये कोई और मटेरियल है, इसका यंग्स मॉडुलस E1 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका यंग्स मॉडुलस E2 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। अब इस पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो कंपोजिट बिहेवियर इसका होगा, उस कंपोजिट बिहेवियर में इसका जो इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस होगा वो क्या होगा, ई इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट क्या होगा, तो जो ई इक्विवेलेंट होगा वो होगा ए वन ई वन प्लस ए टू ई टू डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू। इसको आप थोड़ा इसको सॉल्व प्रूफ करने की कोशिश कीजिए, ये कैसे होता है, इस फॉर्मूला को डेराइव कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस फॉर्मूला का डेरिवेशन भी बताऊंगा आपको, और भी केसेस जिसके आप इसके बताऊंगा कि क्या क्या सिचुएशंस आ सकते हैं और किस कितने का हमें इक्विवेलेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।